अलग अलग मछली का अलग अलग रेट होता है इसमें। ये आपकी जो रोहू मछली होती है, अगर 1 किलो की आपकी रोहू मछली है तो 140 रुपये से 150 रुपये किलो तक आराम से जो थोक के रेट में मंडी में बिक जाती है। इसमें टोटल कमाई की अगर आप बात करते हैं तो लगभग हमारा ये 7 से 8 लाख रुपए तक हमारी मछलियाँ निकल जाती हैं इस तरह। किसान भाइयों, आप सभी का खेती किसान यूट्यूब चैनल में स्वागत है। किसान भाइयों, आज के हमारे इस वीडियो की जानकारी है मछली पालन यानी कि फिश फार्मिंग, और हमारे साथ आज ओमपाल कश्यप जी हैं, जिनका आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 1 हेक्टेयर से भी ज़्यादा में इनका तालाब है जिसमें ये कई सालों से मछली पालन का कार्य करते हैं। तो आज हम ओमपाल कश्यप जी मिलते हैं और उनसे जानते हैं कि मछली पालन किसान भाई कैसे कर सकते हैं। तो सर नमस्कार। नमस्कार। तो सर, जो हमारे किसान भाई, सबसे पहले आप उन्हें एक अपना छोटा सा परिचय दीजिए। मैं ओमपाल कश्यप हूँ, दौलतपुर जिला हरिद्वार तहसील रुड़की से, और हमारा फिश फार्मिंग का एक तालाब है जी, हम फिश फार्मिंग करते हैं। तो सर, जैसे कि मैं आपका तालाब देख रहा हूँ, काफ़ी बड़ा आपका तालाब बना हुआ है जी, तो आप कितने समय से ये मछली पालन का कार्य कर रहे हैं? ये मछली पालन का कार्य करते हैं मुझे लगभग 10 साल का समय हो गया है। 10 साल का समय हो गया। इससे पहले आप क्या करते थे? मैं टू व्हीलर मैकेनिक था जी, लेकिन मुझे उस काम से ज़्यादा इनकम में ज़्यादा प्रॉफिट दिखाई दिया जी। तो जैसे कि आप मछली पालन 10 साल से कर रहे हैं, काफ़ी आपको अनुभव है 10 सालों से जी, तो ये कितने एरिया में आप मछली पालन कर रहे हैं अभी? ये हमारा 1 हेक्टेयर का तालाब है ये वाला। 1 हेक्टेयर? हाँ, जो आप देख रहे हैं 1 हेक्टेयर का तालाब है ये जी, और एक तालाब हमारा दूसरा भी है यहीं पे गांव में। अच्छा, तो टोटल कितने एरिया में आपके पास ये दोनों? ये हमारा 1.5 हेक्टेयर के आसपास है दोनों तालाब। दोनों 1.5 हेक्टेयर में आप तालाब में मछली पालन कर रहे हैं जी। तो सर, जैसे कि आप मछली पालन कर रहे हैं, इसमें आप कौन सी नस्ल का इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सी वेराइटी का इस्तेमाल कर रहे हैं? इसमें हमारे पास रोहू है जी, कॉमन कॉर्प है, ग्रास कॉर्प है जी, इसमें सिल्वर है हमारे पास जी, ब्रिगेड और कतला भी है इसके अंदर। तो ये सभी आपने मिक्स इसमें रखी हुई है? ये मिक्स में है। तो सर, जैसे कि आप ये तालाब में आप मछली पालन का कार्य कर रहे हैं जी, तो इसमें आप किस तरीके इसका मैनेजमेंट रखते हैं अपनी मछलियों का, इसके बारे में हमारे जो किसान भाई है उन्हें आप अच्छे से बताएं। सर, मैनेजमेंट के लिए एक तो उसके समय से सीड डालना जी। सर, बीज जो आप सीड है मछली का बच्चा जी, वो आप कितनी बड़ा डालते हैं, कितने दिन का बच्चा डालते हैं? ये हम डालते हैं इसमें कम से कम 5 इंच का, 6 इंच का। 5 से 6 इंच का जी। तो ये आपको कितने रुपये के हिसाब से मिलता है ये बच्चा? ये 5-6 इंच का बच्चा ऐसा मिल जाता है 3 रुपये के आसपास। 3 रुपये का बच्चा जी। तो ये आप कहाँ से लाते हो ये बच्चा जो लाते हैं? ये हमारे पास और भी तालाब हैं जी, उनसे हम एकत्र कर लेते हैं उसमें। अच्छा, ये जीरा साइज का बच्चा आता है वो स्टॉक कर लेते हैं अपने पास। पहले आप स्टॉक में रखते हैं, फिर उसे बड़ा करके तब आप बड़े तालाब में डालते हैं। हाँ। तो सर, जैसे कि आप तालाब में कर रहे हैं, तो इसमें आप ये आप किस तरीके से फीड मैनेजमेंट कैसे रखते हैं, इसके बारे में बताएं। इसका फीड इनको खिलाना पड़ता है जी। ये जैसे ग्रास कॉर्प आपकी मछली है तो ये घास भी आप खिला सकते हैं इसको, बरसीन वगैरह या जो घास वैसे होती है जी, वो भी आप खिला करके पाल सकते हैं इसको। तो आप जो मछली पालन कर रहे हैं इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप फीड ही डालें जी, इसके अलावा जो आपका घास है या जो आपका खेत का वेस्ट होता है जो हरी घास का जी, उसे भी आप इसमें इस्तेमाल कर लेते हैं। इससे आप ग्रास कॉर्प मछली का पालन बहुत आराम से कर सकते हैं। तो इसमें तालाब में अभी टोटल आपने कितना बच्चा डाला हुआ है? ये हमारे पास जो आप तालाब देख रहे हैं इसके अंदर 50,000 बच्चा पड़ा हुआ है इस समय। 50,000 बच्चा डला हुआ। तो इसमें से जब आप 50,000 में से लगभग आपका कितना बच्चा इसमें मर जाता है, मल्टी कितने की हो जाती है लगभग? मरने की संभावना तो बहुत ही कम होती है इसमें, 2-4 हज़ार बच्चा ही मरता है जी, बहुत ज़्यादा इसमें लॉस नहीं है। और जो किसान भाई हमारे जिनके गंदे तालाब हैं, गाँव का गंदा पानी उनके अंदर जाता है, मछलियाँ मरने की शिकायत रहती है उनमें, तो ये भाई इस समय फरवरी मार्च के महीने में आप पंगेसियस मछली का सीड डाल सकते हैं उसके अंदर, वो भी हमारे पास उपलब्ध है। तो सर, जैसे कि आप मछली पालन कर रहे हैं जी, और आपने इसमें 50,000 बच्चा आपने अपने इस तालाब में डाला है, अगर कोई किसान भाई बच्चा खरीदना चाहे तो क्या आप सीड का काम भी करते हैं? हाँ, हमारे पास सीड भी उपलब्ध है जी। जो किसान भाई हमारे सीड खरीदना चाहते हैं, मछली का बच्चा खरीदना चाहते हैं, तो हमारे पास वो भी उपलब्ध है। तो कौन कौन सी वैरायटी है इसमें आपसे लिंक के लिए आपके पास? हमारे पास इसमें रोहू मिल जाएगा, नैन मिल जाएगी, आपका ग्रास कॉर्प मिल जाएगा जी, सिल्वर कॉर्प मिल जाएगी। जो भाई अगर खरीदना चाहें, मिक्स में खरीदना चाहें मिक्स में मिल जाएगा, और अगर प्योर भी खरीदना चाहते हैं तो प्योर भी उनको अलग अलग वैरायटी मिल जाएंगी। तो सर, हमारे साथ जो किसान भाई हैं अलग अलग राज्यों से दूर दूर से जुड़े हैं जी, तो ट्रांसपोर्ट का कैसा रहेगा, उसका कोई दिक्कत तो नहीं है? ट्रांसपोर्ट की कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी चली जाती है, गाड़ी भेज देंगे, उनका गाड़ी का किराया देना पड़ेगा जी। और जैसे कि आपका तालाब है, तो इसकी तालाब की आपकी गहराई कितनी है? ये हमारे तालाब की गहराई इसमें 7 फीट तक पानी है इसमें। 7 फीट पर आपने लेवल पानी का बनाए रखा हुआ जी। तो इसमें पानी का आपका कैसा खर्च है, पानी आप कैसे इसमें देते हैं? पानी तो हम इसके अंदर 12 का पानी इसमें यूज़ करते हैं जी। और मछली पालन के लिए अगर गंदा पानी आपके तालाब में जाएगा तो मछलियाँ मरने की संभावना हो जाती है उसमें, तो इसलिए आप इसमें साफ पानी रखते हैं जी। तो अच्छा सर, अगर मछली में कोई रोग भी आ जाता है, रोग की भी कोई समस्या होती है?
रोग की तो वैसे बहुत ज़्यादा समस्या इसके अंदर नहीं है, रोग तो आता नहीं है मछलियों में। गैस बनने की संभावना होती है अगर ज़्यादा पानी इसमें, गाँव का जैसे गंदा पानी होता है जी, अगर वो गंदा पानी तालाब के अंदर आपके जा रहा है तो उसमें गैस बनने की संभावना हो जाती है जी। तो इसकी ऑक्सीजन के लिए क्या करते हैं मछली में? ऑक्सीजन के लिए इसमें एक तो ताज़ा पानी चलाएं जी, अगर ताज़ा पानी इसमें उपलब्ध है तो ताज़ा पानी चलाते रहें जी, रोज़ इसमें 2-4 घंटे पानी चला सकते हैं इसमें। तो सर अगर मैं मछली पालन की बात करूँ तो ये मछली पालन किस समय हमें बच्चा डालना चाहिए और कितने दिन में हमारी मछली तैयार हो जाती है? अब ये फरवरी का महीना जो है बच्चा डालने के लिए बहुत ही अच्छा है जी, क्योंकि सर्दियों में तो बढ़त होती नहीं है इसकी। सर्दियों में मछली की बढ़त नहीं होती, बहुत कम बढ़त होती है उसमें जी। और इसका जो प्रोडक्शन है जो निकलेगा ये किस समय इसके हार्वेस्टिंग होगी इसकी मछली की? ये आपका जो है ये अब हमने बच्चा डाला हुआ ऐसे फरवरी में डाल रखा है इसी महीने का जी, और ये हमारा हो जाएगा आपका अगस्त सितंबर तक हमारा सारा निकल जाएगा, ये सारा निकल जाएगा जी, 1 किलो साइज तक का हो जाएगा इसमें। तो अगस्त सितंबर में आपकी इसकी हार्वेस्टिंग होनी शुरू हो जाती है जी। तो सर अगर मैं इसकी मार्केट की बात करूं, क्योंकि आपने अलग अलग नस्ल रखी हुई है मछली पालन में, तो इसमें मार्केट क्या मिलती है आपको? मार्केट तो जो मछली की वैरायटी होती है ना उसके ऊपर डिपेंड करती है, अलग अलग मछली का अलग अलग रेट होता है इसमें जी। ये तो आपके जो रोहू मछली होती है अगर 1 किलो की आपकी रोहू मछली है तो 140 रुपये से 150 रुपये किलो तक आराम से जो थोक के रेट में मंडी में बिक जाती है, क्योंकि किसानों को काफ़ी समस्या आ जाती है मार्केट की। हर कोई आदमी उसका प्रोडक्शन कर सकता है किसी भी चीज़ का, लेकिन वो बेचेगा कहाँ? तो आप इसको कहाँ पर बेचते हैं? क्या घर का आपके यहीं पर आते हैं या आप खुद जाकर इसको बेचते हैं? नहीं, हम इसे खुद बेचते हैं क्योंकि हमारे पास माल बहुत अच्छा, बहुत अच्छी मात्रा में मछलियाँ हमारे पास निकलती हैं जी। एक बार मछलियाँ पकड़ने में हमारे 20 क्विंटल तक एक ही बार में मछलियाँ पकड़ते हैं जी। तो हम यहाँ रुड़की की जो रुड़की की भी मछली मंडी है लेकिन यह छोटी है जी, इस कारण हमारी ज़्यादा मछलियाँ यहाँ बिक नहीं पाती, इसलिए हम किच्छा मंडी जाते हैं। किच्छा में मंडी है इसकी जी? किच्छा में इसकी मंडी है बहुत बड़ी, वहाँ पर हमारे किसान भाई बेच सकते हैं मछलियाँ। तो वहाँ पर चाहे कितना भी टन माल लेकर चले जाए सारा के सारा हमारा सेल हो जाएगा, ऐसा समस्या नहीं है कि ज़्यादा ले गए बिके हैं नहीं फिर वो हमारा फिर वापस आना हुआ, वहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। जितनी भी आप मछलियाँ ले जाएंगे वो सब बिक जाएंगे वहाँ जी। तो इसमें टोटल आपका कितने टन माल निकल जाता है? ये जितना आप तालाब देख रहे हैं, हमारा 1 हेक्टेयर का तालाब आप देख रहे हैं, इसमें हमारा निकल जाता है मोटा मोटा 8 टन तक हमारी इसमें मछलियाँ निकल जाती हैं कि तालाब से। तो अगर सालाना इसमें मैं उसकी बात करूँ कमाई की, तो इसकी टोटल कमाई कितनी हो जाती है आपकी इससे? इसमें टोटल कमाई की अगर आप बात करते हैं तो लगभग हमारा ये 7 से 8 लाख रुपए तक हमारी मछलियाँ निकल जाती हैं इस तालाब से। और इसमें आपका खर्च कितना आ जाता है? खर्च हमारा 2 लाख रुपए तक का आपका खर्च आ जाता है इसमें। तो लगभग आप इसमें 5 से 6 लाख रुपए साल से बचा लेते हैं जी। अगर कोई किसान भाई आपसे संपर्क करना चाहे तो कैसे संपर्क करें? मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लीजिएगा जी, 90 12 83 47 67। तो किसान भाइयों जैसे कि आप देख सकते हैं सर ने आपको नंबर बता दिया, अगर आपकी कोई भी समस्या कुछ भी आप जानना चाहते हैं सर से आप संपर्क कर सकते हैं, उनसे पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो सर आपने हमारे किसान भाइयों को बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो किसान भाइयों जैसे कि आपने देखा ओमपाल कश्यप जी ने आपको मछली पालन के बारे में A to Z पूरी जानकारी बताई, उन्होंने बताया कि आप कैसे मार्केटिंग कर सकते हैं, कितने दिन में तैयार होती है। अगर आप भी मछली पालन करना चाहते हैं तो उनसे संपर्क करके कोई अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं जानकारी ले सकते हैं। किसान भाइयों ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी एक नए वीडियो नई जानकारी मिलते हैं, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।